यहाँ पे डॉक्टर तीन बैठेंगे और यहाँ पे मरीज बैठेगा, एक मरीज इधर बैठेगा और इधर बाबा जी बैठेंगे, एक डॉक्टर बैठ गया और हम लोग दवाइयाँ सप्लाई करेंगे उनको। अच्छा अच्छा ठीक। नहीं पहले तू करा अपना बंदोबस्त चलाना पी टोकन नंबर 58 60 नंबर टोकन कार्ड नंबर टोकन जी। नईम साहब क्या हो गया, पॉजिटिव क्यों आ गया टाइफाइड? जिगर का भी मसला आ रहा, क्या हो गया आपको? अच्छा इधर का ही है, इसका टाइफाइड भी पॉजिटिव है, इसको वो ना लिवर की प्रॉब्लम भी थोड़ी आ रही है। अब सारी रोटियां आप ही खाई जाते कल, खाते कोई नहीं रोटी खाए भी जो खाँदा सारा कुछ उन्होंने, तो जिगर का मसला होंगे तुम हम सिर्फ हवा पानी से जिंदा रहो हम छड़ दे बड़ी खा ली। ठीक है ड्यूटी बाबा जी को, फिर बाबा जी ने हर शाही खुवानी। तो क्या नाम बताया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नासिर भाई अली इधर देखो, इन्फेक्शन की पड़ी होगी किसी ना, ये मसूद की मैंने बना के रखी इन्फेक्शन। नहीं नहीं ये मसूद की गोले में ना बेटा, इधर इन्फेक्शन की मैंने बनाई है, वो साथ इसके देने ले रहे दवाई ले रहे जी आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। क्यों नहीं चलती है? हाँ जी पट्ठे इसको हवा लगी हुई बच्ची को। हाँ जी इस बच्चे को कितने ना क्या नाम है, ग्रिप इसकी अच्छी है, ग्रिप इसकी अच्छी है। बैठेगी बैठेगी जले बेटा, इन्फेक्शन की वो अगर ना मिले तो ये रख लें। क्या नाम है जी? अभी मैंने इधर छोटी सी टेबलेट थी, ये इधर बड़ी भी बनी पड़ी होगी, बड़ी में भी है बेटा, बड़ी भी पड़ी होगी। हाँ मैनू बुखार तो नहीं होता, हो जाता है इरफान।
खांसी वगैरह तो नहीं करती? अच्छा बात सुनो ये बेटा, ये फीवर की कोई है तो आपने ये देनी बच्चों को, आपने खास तौर पे ये देनी छोटी गोलियां। जब मैंने स्लिप के ऊपर जो दवाइयाँ रखी होती हैं कुछ समझ आपने तो नहीं लेनी। की मसला तुम दसो की ना तोड़ा हाँ जी, आप मास्क पहन लिए, हम लोगों कैसे रख दिए जी। लें जी, आ जाए बैठ जाते कड़ा भी नजर आ रहा। क्या नाम है आपका? वो कैसे सुबह शाम खा ला है, बल्कि होर जो छुपाना ताकि अभी रख ला ताकि तू तो ठीक होना। नासर भाई ये आपने आधी देनी है खोल के, बाकी वो डाल देनी, इधर गैस की पड़ी होगी वो देनी है। ले जी नसीर भाई, ले लें दवाई, लें बुलाओ, आ जाओ आपके साथ हैं जी। क्यों डर गया हुआ है हैं? इस बच्चे को ऑक्सीजन की कमी है ना, इस बच्चे को जो है ना जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर होती है ना इस बच्चे की पूरी नहीं आ रही। ठीक है, आपने कभी किसी दिल के डॉक्टर को चेक कराया इसको? कोई चिल्ड्रन में चेक कराया था? उन्होंने क्या कहा था? कोई दिल में अल्लाह ना करे कुछ राख तो नहीं बताया उन्होंने? बताया होगा उन्होंने, फिर आप कैसे फिर उधर से दवाई लेते जाओ, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि इसका कंडीशन बता रही है किसके साथ जी। कोई बात नहीं, मैं ना अभी इसको दवाई देता हूँ, हैं वो अल्लाह बेहतरी करेगा, इसका फिक्र ना करो। ये ना एक ड्रॉप्स हैं जो आपने इसको रेगुलर देने हैं। क्या नाम है इसका? जना पाँच कतरे दिन में तीन दफ़ा देने हैं, ये दवाई एक महीना चलेगी इसकी, ये आपने पूरा रेगुलर महीना देनी है, उसके बाद मैं एक दवाई लेके देने लगा जो आपने जर्मनी की लेनी है, और इस बच्चे को देते ना इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इसका वो सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। एक सेकंड पर इसका कर दो ना, यदि कितनी उम्र है? है ले बेटा फरा आप जाओ जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? जी कौशल बीबी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ना आपका, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड तो बढ़ा ही होगा ना, जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ है, तो आप कोशिश करें चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करें, और आप सैर करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं वो आप चलेंगी, कोशिश करें चाहे थोड़ा थोड़ा चलें, आप चलना शुरू करेंगी तो जाके बेहतरी आएगी।
वालेकुम सलाम। जी 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 कब्ज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब दवाई ले लें। जैसे अच्छा जी, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह भेजें। इसके एक घूंटा आप भी पिए ज़रा, इसका भी एक घूंटा आप भी पिए। जी जी, अभी और लें इसको। जी क्या नाम है आपका? जी खाल साहब, क्या हो गया यार? हाँ जी दसो, की गल हो गई? फुल बनी पी थोड़े पेट। कब्ज तो नहीं होती? कब्ज तो नहीं। हाँ जी हाँ जी, उत्ते करो। हाँ, एड्डी लंबी दर्द क्यों हो रही है? छड़ दे छड़ दे। हाँ जी, मैं तुम्हें दसन दिया क्या है ना। हूँ ना तुम जो कतरे दते ना ना जी बैजो, हूँ तुम एक गिलास पानी लैके ना उस पंजा कतरे पाने ने, एक मिनट बाद एक घुट पानी पीना तो नाल मैं तुम्हें दवाई दर्द देना तो इन्ना हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। की नाम थोड़ा? इकरार। कब्ज तो नहीं है? कब्ज तो नहीं है? कब्ज तो नहीं? कब्ज तो नहीं है? यार आपके पास किडनी की मैंने बना के रखी है इधर पेन के लिए, इधर इनको दें 10-10, 15-15 मिनट बाद लें जी। जेडे कतरे ने जाके गिलास नीम गर्म पानी का लेना है, उसे 50 कतरे पाने ने, 50-60 कतरे, एक मिनट बाद एक घुट पानी पीते जाना हो जाएगा ठीक। थोड़ा जहा टाइम तो दियो, हम तुम रात चौल कल खाधे तो दर्द तो होनी है ना। तुम्हें कड़ा पूछा मेहमान आया ना दे दवाई लाओ तो जाकर, तो माँ जी को चंगी चीज़ा खुआओ तो लगे तुम दाल ही खुवाई जाए उन्होंने। हाँ जी, तो चंगी चीज़ा खुआओ, दाल ही खुवाई जाते हो सब खालने पे। हाँ खालने पे, दूध पिलाने पे, हर चीज़। तो तुम कल अपने घर पीर साहब भेजो नाल चीज़ा खाने वास्ते। हैं
साल की बच्ची है, उसको ये कितने कितने कतरे? 10 कतरे सुबह दोपहर शाम। अगर उसका नमनेस होती है, आसून होते हैं, बीपी गिरता है, चक्कर आते हैं, तो बच्ची एक साल की, एक साल की बच्ची है, उसको मसला क्या है? खारिश की। नहीं नहीं, ये खारिश की दवाई थोड़ी है, ऐसे कैसे लेके जा रहे हो आप? ये खारिश की दवाई नहीं, वो जिनके हाथ सुन होते हैं ये इनकी दवाई है, ये इसकी दवाई है, 10 कतरे। उस बच्चे की दवाई मैंने लहरा दी, उसकी दवाई कैसे? उसको सिर्फ क्रीम लगानी, उसको दवाई कोई नहीं खाने के लिए देनी। ना ना ऐसा काम ना करना, पूछ लिया करो ना, ऐसा ना करें। सिर्फ ये आपकी दवाई आपने पीनी है, ये आपके सर्कुलेशन की दवाई है। तो यार ही ले जा, बीपी ऑन ट्यूब मेरे को है ही नहीं है, जड़ी ले जा। हाँ चल सर, सर सर मैं सर। नहीं होगा मुलाकात। हाँ कौन दर्द होती बच्चे को? गलती है क्यों इसको? वो तो है ही है, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम सर्कुलेशन पूरे जिसमें बन रहा है। बच्चे का यूरिकेशन भी बड़ा हुआ, देखो बेटा इसका क्रिएटिनिन यूरिया बड़ा हुआ बच्चे का। क्या आपने इसको गुर्दे का भी वाश तो नहीं करा? मैंने कहा करो। नहीं, इसकी रिपोर्टिंग किधर है? किडनी जितना काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रही है, उसकी वजह से सारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, इसका गठिया होता है बच्चे को। सबसे ज़्यादा इसको ना प्रॉपर किसी हॉस्पिटल टेस्ट रखना चाहिए उसमें, ताकि इसका ना क्रेटर ना यूरिया का इलाज हो सके। जो छोटा सा प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम बड़ी हुई है बहुत। मतलब अभी मैं किडनी की थोड़ी मेडिसिन देता हूँ, देखो इसके सारे ना जी बढ़ चुका होगा, इसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी देते हैं ताकि इसकी थोड़ी किडनी बेहतर हो जाए, थोड़ा सा पेन रिलीफ मिल जाए, लेकिन इसको प्रॉपर आपको हॉस्पिटल में चेक कराना चाहिए। देखिए इस तरह का काम ना करें, इसके लिए उसके बस की बात, इसका काम बढ़ रहा है।
अगर कटन जो थोड़ा सा ऊपर चला गया तो उसके गुर्दे वॉश करने पड़ेंगे। नज़दीक जो भी होगा सहारा चले जाओ जी एच के पूरे टेस्ट करेंगे छोटा मोटा पेपर दिया वो गुर्दों का इलाज करा रहा उसने पेपर दिया वो आदमी है माडल टाउन रहमान हरबल उधर नहीं आपने जा रहा वो मेरा स्टूडेंट है ठीक है रहमान वाले वो करते हैं जी आप कोशिश करें कि बच जाए बुकार ने आज अगर वहाँ पे जाना भी हुआ तो डॉक्टर बुकार ने आज वहाँ पे ना होगा वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल रजाक साहब होंगे वो भी मेरा स्टूडेंट है आप बता दिए कि मैं कार्ड देता हूँ आप उनको मिल लें आपने जाकर उनको ये नहीं बताना कि आपने कहना जी बिल्कुल माड़ा बंदा है उसको मिल लें अब्दुल रजाक वहाँ पर होगा या अब्दुल रहमान साहब तीन चार बंदे हो गए मेरा कार्ड देंगे वो आपको पहचान देंगे जो भी होंगे तकरीबन सारे मेरे जाने वाले हैं एक दफ़ा चेक शुरू करा लें लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि आप इसको प्रॉपर किसी सरकारी या किसी भी हॉस्पिटल में चेक कराएं प्राइवेट करा लें इसको ऐसे में गुर्दे बिल्कुल मैं दवाई देता हूँ गुजारा कर लें लेकिन